गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की टिक्की। तो आलू टिक्की विद बर्गर बनाने जा रहे हैं। तो मैंने उसके लिए 7 आलू लिए हैं और 2 लाल मिर्ची लिए चिली फ्लेक्स के लिए, और ये मिंट के पत्ते लिए हैं कुछ 10 से 15, और कड़ी पत्ता के पत्ते लिए हमने कुछ 7-8 लिए हैं, और मटर लिया है हमने थोड़ा सा धनिया, एंड देन 5 से 6 हमने मिर्ची ली है, हरी मिर्ची। तो इसमें हम ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, इसमें सिर्फ हम 1 चम्मच नमक डालेंगे, टीस्पून, और 1 चम्मच ही हम मसाला डालेंगे। तो चलो आओ बनाते हैं आलू टिक्की मिलके, बहुत ज़्यादा सुपर और यमी बनेगी। ये इंग्रेडिएंट्स, आप इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर सकते हो, अगर आपको वेजिटेबल्स ऐड करने हैं तो ये आपके ऊपर है, बट आलू टिक्की के लिए बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स लगते हैं ऑलमोस्ट आपको घर पे बनाना है। तो चलो आओ बनाते हैं आलू टिक्की बर्गर, टेस्टी और यमी। तो अभी हम क्या करेंगे, इन सबको अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। सो गाइस, मैंने इसको चिली मिर्ची को, रेड मिर्ची और ग्रीन मिर्ची को दोनों को चिली कटर करके ले लिया था। मिंट को इसको मैंने भी काट के ले लिया था, धनिया को भी काट के ले लिया था, एंड कड़ी पत्ते के लीव्स को भी काट के ले लिया था। तो इसमें जैसे कि कड़ी पत्ते के लीव्स नहीं डालते हैं, बट इट इज़ वेरी गुड फॉर द हेल्थ एंड हेयर के लिए भी अच्छा रहता है, और इसमें टेस्ट भी अच्छा था इसलिए मैंने डाला। एंड मिंट इज़ ऑल्सो गुड फॉर द डाइजेशन, तो इसलिए मैंने इसमें मिंट डाला है, और इसमें टेस्ट का फ्लेवर भी अच्छा आता है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, अभी हम इसमें मसाला डाल देते हैं एंड नमक। तो चलो इसको अच्छे से मिक्सडअप कर लेते हैं हम ये चीज़ को। सो गाइस, मैंने ये रेडी कर दिया है इसको अच्छे से, और अभी इसके हम बनाएंगे टिक्कीस। और मैंने ब्रेड क्रम्स को भी करके ले लिया है, मैंने 6 ब्रेड लिए थे, और 6 ब्रेड्स को मैंने ग्राइंड करके और तवे पे रोस्ट करके ले लिया है। तो चलो आओ आज हम टिक्की बनाते हैं। तो गाइस, मैंने टिक्की रेडी कर ली है, अभी ब्रेड क्रम्स में हम लोग इसको अच्छे से करके ले लेंगे। इसको दबा के अच्छे से जितना भी ये लेना चाहता है उतना ले लेगा, एंड देन फिर हम इसको बटेंगे। सो गाइस, देखिए हमारी आलू टिक्की रेडी हो गई है, हम इस पर ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना आलू की टिक्की के लिए पेड़ा लिया था, आप अपने हिसाब से ले सकते हो, मैं बता देती हूँ आपको। तो ये मैंने ऐसे पेड़ा लिया था इतना सा, अब इसको मैं अच्छे से रोल कर लूँगी। सो गाइस, हमारे ब्रेड क्रम्स बन के रेडी हैं, अभी हम इसको फ्रीज़र करेंगे 15 to 20 मिनट्स के लिए। फ्रीज़र करेंगे हम इसको, अगर आप ज़्यादातर आधा घंटा रखना चाहते हो तो आधा घंटा भी रख सकते हो, बट 15 to 20 मिनट्स के लिए इसको फ्रीज़र में रखेंगे हम, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए सारी चीज़ें। मैंने 15 से 20 मिनट के इसको फ्रिज में फ्रीज़ करके रखा था, और मैंने ये नॉनस्टिक पैन लिया है, और इसमें मैंने तेल डाल दिया 4 से 5 चम्मच, इसको हम शेलो फ्राई करके लेंगे। तो चलो, तो अभी हम इसको एक एक करके रख देंगे इसको। तो इसको पका लेंगे थोड़ी देर में। तो गाइस, एक तरफ से पक चुका है, तो अभी मैं इसको पलट के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया इसका, गोल्डन ब्राउन, ये देखिए। बहुत टेस्टी बनी है ये, इसकी देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है इसका। मैं इसे भी पलट देती हूँ अभी। गाइस, इसमें मैंने ये चीज़ डाल दी है, और इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, ताकि ये चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और दूसरी साइड से भी अच्छे से पक जाए करके। तो गाइस, हमने बर्गर के लिए यहाँ पे टमाटो और ऑनियन गोल गोल काट के ले लिए हैं, और हमने जो चीज़ रखी थी वो भी रेडी हो गई है। तो चलो आओ इसे हम रिमूव कर लेते हैं अभी, और मैं बर्गर की जगह पे जो बर्गर पाव रहते हैं उसकी जगह पे नॉर्मल पाव जो रहते हैं मैं वो यूज़ कर रही हूँ। सो गाइस, मैंने ये पाव डाल दिया है, एक तरफ से पक गया रहेगा, अभी इसको मैं पलट देती हूँ। ये देखिए, इसको हम फटाफट पलट देते हैं कि ऑलरेडी
ओहो चल गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं चलता है। सो हमारा एक साइड से ये हो गया, अभी दूसरी तरफ से हम पका लेते हैं इसको अच्छे से। सो गाइस हमारे पाव रेडी हो चुके हैं, तो अभी हम इसे रेडी करते हैं सर्व करने के लिए। सो गाइस इसमें मैंने गो चीज़ स्प्रेड लगाया है जेलो पेनो वाला, तो अभी हम इसमें रखेंगे टमाटो एक एक सब में, हम टमाटो रख लेते हैं सब में एक एक। गाइस टमाटो रख लिए हैं, अभी हम ऑनियन रखेंगे इसमें। सो गाइस हमने इस पे केचप लगा दिया है सब में, अभी ऊपर से हम टिक्की रख रहे हैं सबके ऊपर एक एक। मैंने बताया था हमने टिक्की रख दी है सबके ऊपर, उसके ऊपर हमने ये गोभी ली है ये रख दी है इसके ऊपर, और देन उसके ऊपर से ऑनियन रखे हैं, और अभी इसमें हम सेजवान चटनी डाल रहे हैं ऊपर से हल्की हल्की थोड़ा स्पाइसीनेस के लिए। और ऊपर से ब्रेड रख देंगे हम इसके ऊपर, तो बाकी भी सब हम धीरे धीरे ऐसे ही रेडी करके रखेंगे। सो गाइस हमारा बर्गर बन के रेडी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी बना है। प्लीज़ आप घर पे बना के ट्राई कीजिएगा, और जब आप घर पे बना के ट्राई करोगे तो तब भी आपको इसका रियल टेस्ट पता चलेगा। और हमारा बर्गर बन के रेडी है, तो ये मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था पाव का बनाया है, ये भी पाव का ही है बट ये मीठे पाव का है, तो ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी बनता है, आप घर पे बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा गार्निशिंग के मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर केचप डाला है, देखिए ये अंदर से कितना यमी और टेस्टी बना है, आप घर पे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।